टू शेयर सो आई वॉज वेटिंग टू शेयर इन दी एंड सो इट वॉज इट्स बिन दियर इन माई ड्रीम लिस्ट फॉर माई एल्डर सन सो माई एल्डर सन्स नेम इज़ कुशल कुशल वर्मा एंड जैसे उसका नाम है वो वैसा इंसान है बहुत ज्यादा परफेक्ट है मतलब आप उससे मिलोगे तो आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी मतलब वो आके अगर हमारे घर में स्टाफ होता है बट मेरा बेटा आपको पानी ला के देगा और बहुत अच्छे से बेस्ट वे में डाल के पूछेगा कि आप ठंडा पानी पीते हो कि आपको डायरेक्ट आरू वॉटर और फिर ही विल मेक योर कॉफी एंड ही विल टेल यू दट टाइम मेक वेरी गुड कॉफी विद वनीला एंड विल गेट एड वो उस तरह का इंसान है

तो तब भी मैं यही प्रे कर रही थी बिकॉज तब मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी मैं अभी भी करती हूँ आज मुझे बोश स्टडी लेनी है लेने जाना है बट मैं तब भी मैं यही मेरी प्रेयर्स में होता था दट ही गेट्स अ वेरी गुड मेंटर बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि अगर आपको अच्छा मेंटर मिल जाता है ना तो आप कितना भी बड़ा समुद्र कितना भी उसमें टोनेडो स्टॉम्स आ रहे हैं आप बहुत आराम से स्केल करते हो बिकॉज आपकी शिप कभी भी इधर उधर नहीं होती है वो अभी भी जैसे होता है ना कि वो सी में वो जो लाइट दिखती है यू नो जो जैसे गोवा में भी ना वो लाइट दिखाते हैं तो वो हमेशा जब मेंटर साथ होते हैं ना तो मैंने देखा मेरी जिंदगी में मेंटर का साथ अगर मैंने उंगली भी पकड़ी हुई है ना तो जिंदगी हमेशा सीधी तो मेरा हमेशा से ये था कि उसको मेंटर बहुत अच्छे मिले और क्योंकि उसका का फील्ड है तो उसमें आपकी स्किल्स को लगातार होन होने की जरूरत होती है सो दैट एंड सो आई वॉन्टेड दैट डिसिप्लिन जहां पर वो ना धोके सुबह सुबह तैयार होकर जाए और यू नो लाइक किसी बहुत अच्छे मेंटर के अंडर काम करे और ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करती हो बिकॉज अफकोर्स यहाँ पे वो काफी कुछ कर ही चुका था तो मुझे ये थाट ही यू नो गाइडेंस इज बिकॉज यू हैव टू टर्न अप द वॉल्यूम नाउ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ एंड ऑल डेवलपमेंट ऑल्सो सो दैट वे तो फिर उसके बाद uh, पहले तो जैसे हर मॉम का वरी उनका बच्चा होता है और बहुत सारी यहाँ पे मम्मिया आए जो अपने बच्चों के प्लेसमेंट हैं उनके साथ बिकॉज कल भी वो दो तीन शेयरिंग आई थी वो दोनों मम्मिया भी बहुत दुखी थी उनमें से

Uh the practices I did about it. So uh, of course, in February, uh 3rd to 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, Pach then come triple five practice Or um uh, just may, of course, I wrote that uh, thank you, universe, that Kushal has a fabulous job with under a very good mentor in Delhi NCR, and he's really loving it. You know, this is what I wrote, just this one line. And um इसको 55 और डिक्लेन मैंने वो सारा किया था जो मैं आपको बताती हूँ ना कि शुरू में डिक्लेन करती हूँ कि बहुत अच्छे और मेंटर बट वेरी वेरी लविंग एंड कम्पेशनेट स्ट्रिक्ट अट लविंग एंड कम्पेशनेट मेंटर उसको मिले बहुत अच्छा ऑफिस बड़ा ऑफिस मिले जो इंडिया और बाकी जगह पे भी बहुत अच्छे उनका यू नो लाइक द टेक प्रोजेक्ट फ्राम द बेस्ट ऑफ द प्लेस जो कंस्ट्रक्शनो uh, you know, मुगल है उनके साथ में उसको काम करने का मौका मिले बिकॉज फिर उनको सीखने को बहुत मिलता है एंड uh, वो ट्रिपल फाइव प्रैक्टिस की उसके बाद uh, मैं वही पांच पॉइंट जो हम सब अपने बच्चों के बारे में लिखते हैं वो मैं देखती हूँ दैट हीज अरे ब्यूटीफुल पर्सन इज वेरी रिस्पॉसिबल ही इज अट्रेक्टिंग पीपल विद वेरी गुड यू नो लाइक इंफ्लुएंस इन इज लाइफ वो सब भी जरूरी होता है ना सो so, ये सारी चीजें एंड एंड फ्लारिशिंग इन इज कार्य जो पांच मैंने आपको बताए हुए हैं जो पांच हम सब लिखते हैं अपने पर बच्चा यू नो इवी थ्री चिल्ड्रेन तो हम तीनों बच्चों के लिए पांच 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 लिखते हैं इस तरह से एंड ही फिजिकली मेंटली इमोशनली हैपी एंड हेल्दी ये सब जो लिखते हैं उसके अलावा तो इसमें ये पांच तो खैर पूरे साल से ही चल रहा है बट मार्च में मैंने triple five practice ki. Uske bad, um, I surrendered and I thought I, I told the universe that I totally surrender. surrendered tha mera that I surrender to you and I know that you're conjuring up something for him and giving him the best in this field and after that anyhow I kind of you know uh, then didn't want to think about it five point mein wo bhi thi ki. he's a very beautiful person and you know respects all elders and gives a lot of love to all the youngsters he's attracting friends and people with very good influence in his life and he's physically mentally emotionally happy and healthy his work is thriving and flourishing he's you know manifesting his best

Okay. And a very good mentor, like one of the best. And then finally, day before yesterday, he went for his, um, uh, you know, so there was a company where he went and he met that person. And this guy is one of the best architects of Dubai, based out from Delhi. Okay, based out of Delhi NCR, office we Noida and all, so based out of here, and he went and he met, and you will not believe that, you know, like, jab told me one day mom, I need to, you know, like, tomorrow I'm going there to this and this company, and, you know, body वैसे sounding like not that interested, but I immediately spoke to him for मी फीलिंग लाइक दैट अबाउट हिम, बिकॉज मेरा परसेप्शन था ना कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है उसको लग रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ बट अपने काम में वो कम्प्लीस थोड़ा सा कहीं कहीं यू नो लाइक नौ बजे के बाद सो के उठना और ये सब so, ये बहुत वेयर हैबिट्स लग रही थी मुझे कि मतलब यूथ है इतना केपेबिलिटी है उसमें स्ली वेकिंग अपट नाइन ओ कॉलक कभी ही स्लीपिंग है टू इन द नाइट सो ऑल दोंग्स ऑलो गोज अवे वन यर्किंग अंडर स्ट्रिकमेंट यू नीट भी वेरी वेरी फ्रेशन बी स्ली इन द आफ्टनून बिकॉज यू हैफिशियंट पीपल अराउंड यू है जैसे कहते वैन यू आन दट एनवाइ फिर एवरी वन सुपर डिसिप्लिन तो आप अपने आप ऐसे इंसान बन जाते हो ना कहना खरबूजा खरबूज खरबूजे को देख के रंग बदलता है टाइप सो आई वॉन्टेड दर खरबूजा टू बी बेस्ट लुकिंग एंड एंड वेरी हेल्दी खरबूा सो दट ही आल्सो बिकम्स लाइक दैट सो ही वन देयर एंड जैसे ही मैंने देखा कि फिर से वो बोल रहा है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ बट आई नॉट श्योर इन दिस एंड दैट सो आई डिड नॉट वरी आई डिड नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम क्योंकि हमको फोर्स एंड क्वेजन नहीं करना होता हमको वाइब्रेशनली चीजें टर्न अराउंड करनी होती है तो मैंने अपने आप वर्क किया मैंने कहा मेरा परसेप्शन है ना फिर मैंने कहा आई टेक हंड्रेड पर्सेंट रिस्पांसिबिलीट ऑफ इट इज विद इन मी विच गिविंग मी दिस एक्सपीरियंस ऑफ हिम नॉट बिंग इंटरेस्टेड आई एम रियली सॉरी प्लीज वेट मी फॉर दैट एंड थैंक यू आई लव यू फॉर क्लीनिंग that energy, that data. दट इज ऑल एट इ मैंने हंड्रेड एंड एट होपन की इमीजियटली जैसे ही उसने बोला मैं ऐसे ही है मैं आर नॉट श्योर जाऊंगा ये बोला कुछ, कुछ 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 बोल रहा था सो so, मैंने ये किया उसके बाद खैर हम लोग सो गए उसके बाद आई जस्ट वेंट वीट इज इट इज योर करियर योर दिस नो अन फोर्स यू बिकॉज योर इन अड्ट आई नो दट यू विल मेक द बेस्ट डिसीजीज ठीक है मन में मुझे पता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके तो सारे मेरे प्रेस बिल्कुल सेट थे और आई डेंट वॉन्ट टू प्रेशर है बिकॉज बॉयस को आप प्रेशर नहीं कर सकते यू नो नमथिंग दट कम इन साइड फॉर दै मैन यो वो थोड़ा सा रिबल एटीट्यूड हो जाता है नहीं बहुत ज्यादा बोलो ना तो फिर वही काम वो करते हैं सो आई डे नॉट वॉन्ट टू मैं वाइब्रेशनरी वर्क कर रही थी talking to the universe and then like through the universe, giving him things through universe, talking to universe and directing the message to him. adult And I know I have full faith in you. I know whatever decision I'm gonna make will be the best. I don't want to tell you anything, but you know, but press me riti, of course, both some ki. So my husband, of course, like second you know, like he gets um, this thing and he was like, Look, you have to go and you have to do this. What is this? I don't like that you wake up at this time or your work you know, is so that way. So then I I told Deepak that I think it's time you go and sleep. I mean, he sleeps early. I said, let it be. Just leave him alone. Let us leave him alone. Both of us go out of his room. And then we went. And I said, yeah. Okay, and he said, okay. He said, I'll go and, I to and the next morning, he said, I might not even go. So he had to go again at 10 o'clock in the morning, which was yesterday. यस ट्री एयर टू गो अगेन वन आई वो कप इ मॉर्निंग इमीजिएटली आफ्टर द सेशन आई डिट मैं होपोनपो कभी छुट्टी थी ठीक है बट मैं अभी, अभी अपने छोटे बेटे के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मेरे वो है कुछ एवं कॉलेज सर्जरी टू मॉलो तो मैं उसके साथ बिजी थी तो एनी हा मैंने होपोनो किया फिर से बड़े बारे के लिए बिकॉज इसको जाना था दस बजे वापस से और जहां पर इसको एक बिल्डिंग का डिजाइन का लेआउट बनाना था जो इसका एग्जाम था बिफोर ही गेट्स एन अपॉइंटमेंट लेटर सो so, मैंने उसके लिए भी किया उस कंपनी के लिए एंड दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन सो माई हजबेंड इज अ सिमिलर दैट पर्सन इज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया सो और उन्होंने उनके साथ पास्ट में कभी काम भी किया भाई दो तीन प्रोजेक्ट्स किए हुए गोवा में कहीं पर पता नहीं सो ही न्यू दैट एंड देन वो बॉस हिमसेल्फ टू टेक इंटरव्यू परसों जब वो गया था ठीक है एंड देन देनडे मॉर्निंग तो इसको लेआउट बनाना था किसी बिल्डिंग का मॉल का किसी चीज का आई थिंक वी तो बैक अ अपार्टमेंट का सो इसने वो ले आउट किया तो मुझे लग रहा था दस बजे जा रहा है बारह बजे तक आ जाएगा बिकॉज वीवर ऑल एंगेज सो दस कैप्टन देर एंड मेडम डू द एंटायर ले आउट ऑफ द बिल्डिंग जिसकी प्रेजेंटेशन उनकी मंडे को थी और उनको इतनी अच्छी लगी वो एंड ही वेरी हैप्पी अब होपोप नो पो ना और उनका अस असर जो यू नो द इफेक्ट वॉज प्लेंग अपि एवरीथिंग वो स्मूथ हीट फाइव थर्टी इन द इवनिंग एंड ही सर दैट एक्चुअली दिसरी बिग प्रोजेक्ट कमिंग अप ऑन मंडे मंडे इज अजेंटेशन फॉर दट ऑफिस सो दे मेड मी मेक दट प्रोजेक्ट एंड ही डिड अब फैल इज जॉब एंड बॉज टोलो दिस इज रेली नाइस इन I would want you to come tomorrow also because presentation you know, my uh, family is coming. So, yesterday, of course, my in laws were here for dinner and all that. So, uh, he said that uh, today it won't be possible. I will have to go to so, the uh, And they, of course, like took him as an employee only from yesterday. And they said that HR is going to give you the letter. HR is shut on Saturday, Sunday. So, the HR departments, so I was asking Kushal that it's not going to be the building. So, he said that puri building they are such big people. So, I didn't know that. But the office is offices.

नाउ मैं बाली से जिस दिन आई थी ना ग्यारह पॉइंट लिख रही थी जो मैंने आपको बताया टिल डेट जो मैंने कल भी लिखे थे दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग जॉब एंड इज लविंग इट अंडर मोस्ट अमेजिंग द बेस्ट मेंटर ओके सो ये मैं ग्यारह बार रोज लिख रही थी ये मैंने कल भी लिखे थे तो कल जब इसने शाम को आगे मुझे बताया दैट ऐसे हो गया और वेंसडे से आई एम जॉइनिंग फाइनली बिकॉज ट्यूजडे मंडे एंड ट्यूजडे हम सब घर में एंगेज हैं थोड़े ज्यादा कहीं किसी और उसमें तो इसने कहा मंडे टूजे आई वॉन्ट टू स्टे विद माई ब्रदर एंड आई विल कम ऑन वेंसडे फ्राम वेंडे एंड कम रेगुलरली अब जब उसने मुझे आगे फाइव ही रीच डोम ने मुझे बताया और हार क्योंकि माई चिल्ड्रन चाचू चाची दादी एंड देवान डॉटर अग्नि

So, वो क्लीनिंग प्रोसेस होता बार मैं लिखी रही थी जिस दिन से, से आई थी ट्वेंटी रोज़ ग्यारह बार लिख रही थी ये वाला सो so, मैंने हंड्रेड एंड एट इंस्पाइट ऑफ द डिनर आई टोल्ड माई कुकन एवरी वन दैट आप लोग ये, ये ये काम करो मैं चुपचाप अपनी डायरी लेके बैठी ग्रेटिट्यूड जर्नल और मैंने उसमें हंड्रेड एंड एट थैंक यूज लिखे फाइनली गॉट दिस जॉब एंड आई एक्सप्रेसिंग

There could have been some, you know, kind of an unrest in the house because of the way he said it and you know, and desperation mera or the hota, Desperation was uh but it's not bol us just I don't feel like it and whatever. So there was no nothing. So I was the peacemaker there and a very, very unifying factor for the whole family you know that way and um, everything was it went off so good because of the practices of gratitude and open, so this is my sharing also it was long and it took so long it's almost like what to it wait it's what to it wait 8 eight, ten minutes to wait but yeah I mean like this is how life changes so today again Priya will have to break our experiences and the session and post them separately <laughs> there's so many experiences so this oh, is my experience one of my dream list also got cut you know so for all those mothers who think that bacha uh, smoke kar raha drink kar raha hai place nahi hora, discipline nahi uski life mein responsibility se behave nahi kar raha

है ना जो उनके प्यार ग्रुप से या जो भी बचपन के एक्सपीरियंस के पिछले जम एक्सपीरियंस के कारण होते हैं सो जस्ट डू बी अ ल लिटल यू नो लाइक काम विद एंड से आई नो वट एवर डिसीजन यू मेक विल द बेस्ट सो दिस वॉट आई डिड आई से टू गो तुम आई विल इनश्योर तुम्हारी जिंदगी में कोई कम नहीं आएगी चाहे कुछ भी हो बाकी तो so उसके बाद वो रोने लगा था ड्राइंग रूम में आ गया आई इन श्योर यू विल हैव एवरी थिंग दट यू डिजायर इन योर लाइफ यू डोंट इफ यू डोट वॉन्ट टू डोंट डू इट इट इज ओके यू नो बट आई ट्रस्ट यू एंड आई नो वट एवर डिसीजी यू टेक विल बेस्ट दिस वॉट आई डोट so that dissolved the things if I had yelled at him or if I had showed him my anger my desperation my irritation or whatever on anxiety then he would not have realized so then he came in the drawing room and was sitting and crying in the dark and I said what happened so he said I know that I trouble you too much and I said no I don't feel troubled so no, he said no no I'll go I'll go like that everything will be fine so and then yesterday throughout the day also I was in that zone of gratitude and on and off doing Hoponopono -no, just 11 times on and off because I was occupied. Uh, but then, constant. In the morning, I did 108. In the morning, I did 108 uh, to clean that energy. But after that, on and off, also Pura tha because he was already there making the design of such a big building, You know, mujhe bhi lag tha na, that he has to exhibit his best output in that work. Okay, so this is how you shift things in your life with a lot of, you know, like a lot of Purushottam, Pukar, and Pratiksha. And that's how it. And these practices are marvelous. And keep leading your life and enjoy the best. And that's it. So, see you all soon. Deepthi Deep, Deep, ma'am, incredible in your words. Yeah. That like the q your, 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 sharing you. your sharing is a session itself itself. Your sharing is a session itself. Like, mind dream, mind. Mind. I agree. No silence even again. Explanations don't drop. एक्चुअली ये सब सबके घर की कहानी होती है है अच्छा। ना सबके घर की घर में अनरेस्ट होता है घर में कॉन्फ्लिक्स होती है माँ बाप को कभी कभी गुस्सा बच्चों को देख के आ जाता है ये सबके घर की कहानी है बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते वो पेरेंट्स को मम्मी पापा को पीछे करता है पापाज कभी बोलते हैं कभी नहीं बोल पाते बट उनको देख के बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं सारे पापाज का अपना ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल कुछ चल रहा होता है अपने काम से रिलेटेड बच्चे बात नहीं मानते हैं तो ये सबके घर की कहानी है कि बच्चे लेट लेट सो रहे हैं सुबह लेट उठ रहे हैं जिसके कारण दे आर रनिंग अराउंड टाइम से खाना नहीं खा रहे खाना स्किप कर देते हैं प्लेट में खाना छोड़ते हैं तो ये सारी चीजें पेन पेपर के थ्रू मैनिफेस्ट Yeah. Okay? वो खुद ही इतने अच्छे से हेल्दी खाना खाना अपने आप से ये स्मूथली हुआ है बट देखो एक साल मैंने कितना पेशेंस रखा है एक भी बार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन mm -hmm. mm -hmm. अगर होती भी थी मेरे मन में अनरेस्ट आता था ऐसा नहीं है कि आप ना जब बच्चों को आप स्ट्रगल करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि वट इज दिस यू नो बट देन उस वक्त काम रखना तब मैं फट से ग्यारह बार होको नो करती थी और थैंक यू यूनिवर्स आई नो यूर पेविंग द वे फॉर हज सक्सेस इन लाइफ दिस इज वॉट आई गुड ऑलवेज आई इस भगवान मुझे पूरा भरोसा है ऑल द हाइर एनर्जीज आई नो यू फोकस टू मेक हज करियर दस्ट एंड ऑलवेज सेविवज